अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए आज मैं बहुत ही मज़े के अपने अम्मी के हाथ के गोल आलूओं की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बस आप लोग साथ साथ रहें और रेसिपी को एंजॉय करें। आज मेरी अम्मी जान के हाथ के आप खाएंगे आलू। आलू हैं, आलू की भुजिया माँ जी, आलू की भुजिया टे गोल। इसमें सूखा धनिया, अनारदाना, टमाटर, प्याज, अदरक, सादिया चीजा च भी मां जायका होंदा सी। हुण ते इन्ना कुछ पाओ भी ते उस तरह जायका नहीं बनदा। मिट्टी दी आंदी ओहदे च खाना पकाओ तो वखरा ही स्वाद होंदा सी। अमरीका वाले आए सी, ओ एना ही तारीफ करदे सी। ओ जमीन दे उते बह गया। कौन सी अमेरिका तो आया? वैस भाई। वैस भाई जी, हां उहनां दी दावत, सारे तिन्ना भरावां दी भरजाइयां दी दावत कीती सी ना। ऐ प्याज जे थोड़ी जे ब्राउन हो जाए फिर लसन अदरक दी पेस्ट डाल। ऐ निसा नाल कट के साबत भी रख्या होया है। सुन सुन पाओ हलो धूड़े वाली मिर्च पा, हल्दी, लून, मिर्च, नमक भी पा, करारा ही पा, धूड़े वाली मिर्च पा, दे नमक भी नहीं पाया है। नमक पा, नमक काली मिर्च पैनी, हाँ थोड़ी काली मिर्च पिछो पाई, पहले नहीं, पहले पाओ रंग करी रंग बदल जाता है, पिछो पाई दा है। गरम मसाला भी बाद ही च भी, हाँ थोड़ा जीरा पा, थोड़ी करवंजी भी पा दे, थोड़ी जी करवंजी ना भी स्वादी हो जाएगी। थोड़ा गाजर मसाला जो मां भुन जाना तो फिर आलू पा देने। हाँ जी आलू पा के फिर ना। अच्छा है, गोल गोल आलू कटने ने ना, छोटे थोड़े आलू लेके तो उन्होंने गुलाई च कटना है। तुझे भुजी पकाओ ना, छोटे आलूओं की भुजी पकाओ तो कोई कड़ाही पा दी छिलके समेत। हाँ माँ जी है ना, उन्हें इस तरह निके निके आलू लियाने और भुजी बना ली, तो सारे प्यूरे नाल गुड़ वाले चावल पकवाने। हाँ तो मैं हूं तो कोई गुड़ वाले चावल इन्हें खाता कोई नहीं। गुड़ वाले चावल पकाना बने हुए, गुड़ वाले चावल पकाओ, मीठी चीज बनाओ, मीठी चीज बनाओ तो खाइए। मिर्च बड़ी सोनी पै रही है, नमक पानी की खाने, नमक में पाया जो और ज्यादा स्वाद बन गया। अच्छा इसने भून के तो उस तो बाद फिर यह चीजा पानिया ने, सुखा धनिया, अनारदाना, फिर नाल थोड़ी जी काली मिर्च, काली मिर्च ठीक है, उस तो बाद हरा धनिया ते हरी मिर्चा पा के ना तेन फिर दम दे देना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मावां ठंडियां छावां। तो बस ये मेरे साथ खाना बनाते हुए कहते चलो दो धनिया भी मैं काट दूं, तो आलू को दम दिया हुआ था। उसके बाद आज अम्मी खाना बना रही है ना, तो मैं साइडों पे मैस जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो बस मैं अम्मी के साथ ही लगी हुई थी। मैंने कहा चलिए आप लोग आप ये काट दें, साथ हम ना बैंगन का रायता बना रहे थे तो उसकी रेसिपी भी साथ में करती हूं। एंड बस हम दम लाना है। हां दम लाना है, ऐ सूखा धनिया, अनारदाना, की आएगा अम्मी इन नाल स्वाद आएगा अनारदाना सूखा धनिया नाल। हल्की आंच कर दिए नीचे। ऐ की पा रहे हो? काली मिर्च। हाँ जी काली मिर्च, अम्मी काली मिर्च इन ते पाई दी ना ताकि हांडी दा कलर ना चेंज होए। गरम मसाला, गरम मसाला स्वाद आया बहुत। हां पूरी ते वीडियो बंदा देखदा है, देखदा वे, वेख के तो नंबर ते ज्यादा मिलन दा। हां
चलो तुहानू नहीं सही, थोड़ा जवाई भी मां ज्यादा ही खांदा तेज डाल के उसको दम लगा दिया। पास मैंने ना हाफ के जी दही ली है, उसमें ना ये मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च की ना चटनी बना के ना फ्रीज़ की होती है ये डाल दी है। पास जो है ना बैंगन 2 स्पून ऑयल डाल के ना बैंगन में को ना क्यूब्स कटिंग करके ना उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई इतना करना है कि जो उसके अंदर से पानी है ना वो ड्राई हो जाए और बैंगन जो है ना वो गल जाए। तो बस ये बैंगन डाल दूँगी। पास अम्मी ने ना प्याज और टमाटर काटा था बारीक बारीक वो डाल देना है। बस ये अम्मी आई हुई थी तो मैंने कहा चले एक वीडियो की याद के लिए ही अपनी अम्मी की वीडियो बना लेती हूँ और उनकी ये रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी जिनकी माएँ हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करें और जो दुनिया से चली गई हैं अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे और जन्नत में आला मुकाम दे और जो उनके बहुत अजीज़ हैं उनको सब्र भी अता करे। तो बस ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ना फिर मैंने ना बिल्कुल लो फ्लेम पर ना एक प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। उसमें ना साबुत जो लाल मिर्च होती है वो डालकर थोड़ा सा ज़ीरा डालकर ना इसको मैं तड़का लगा दूंगी और माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी रेडी हुई, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को खाने का। तो बस आप लोग सब मुझे दुआओं में याद रखा करें, मेरी वीडियोस कैसी होती हैं मुझे ज़रूर बताया करें और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा करें और अच्छा ही किया करें। तो ये बस ये देखिए मैं साबुत मिर्च डाल कर ना तो इसको मैंने बस वो तड़का लगा दिया, बघाट भी इसको कहते हैं। पास मैंने ना एक दिन पहले का साग बनाया था वो भी रखा हुआ था। बस मैं रोटियां वगैरह बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोगों ने सब ने मिल के खाया और बहुत ही मज़ा आया। तो ये रायता भी आप लोग ट्राई कीजिएगा और मेरी मम्मी की जो रेसिपी है वो भी ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सब अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।